Very good afternoon, dear students. Today we will discuss 115 top most questions of adverb. तो ये वो टॉप क्वेश्चन है बेटा जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें करने के बाद आपकी एडवर्ब की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी. तो समय बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर है. क्वेश्चन नंबर वन है, अ सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कावर्डली. तो आपको बताया था बेटा एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बनता है और नाउन में एलवाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है. तो कावर्ड क्या होता है, कावर्ड एक नाउन है, इसमें एलवाई जोड़ने से एडजेक्टिव बना, एडवर्ब नहीं बना. तो ये ऑप्शन सी है, ये आएगा इन कावर्डली मैनर. करेक्ट कैसे होगा बेटा, इन कावर्डली मैनर. ओके, देन क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पर है, अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग मैन. तो आपको बताया था कॉल, अपॉइंट, लेक, सेलेक्ट, मेक, क्राउन, इनके बाद थिंक भी बताया था, एज का प्रयोग नहीं करते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, ही इज बीइंग वेरी पोलाइट फॉर द रीजन इज बेस्ट नोन टू हिम. बड़ा वेरी जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है और एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है बड़ा वो एडजेक्टिव विशेषता बताएगा, वेरी पोलाइट आएगा क्योंकि हम ही की विशेषता बताने के लिए पोलाइट को यूज कर रहे हैं और पोलाइट की विशेषता वेरी बता रहा है. तो ही एक नाउन या प्रोनाउन, सॉरी ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है. तो यहाँ पोलाइट आएगा, नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज इनफ टॉल टू बी सेलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस. तो टॉल, आप ध्यान करेंगे बेटा, इनफ अकेला ऐसा, इनफ अकेला ऐसा डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो एडजेक्टिव के बाद आता है. यानी ये करेक्ट कैसे होगा, ये टॉल इनफ आएगा, इनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद आता है, बाकी सब डिग्री ऑफ सॉरी एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो पहले आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज निगार्ड एंड सेव्ड ईच एंड एवरी पैसे. तो ही इज निगार्ड, तो यहाँ निगार्डली आएगा क्योंकि ये निगार्ड नाउन है और किसी की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए और नाउन में एलवाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, जैसे फादर से फादरली बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम फुल ऑफ एनर्जी टूडे बिकॉज आई एम साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट. तो साउंडली बेटा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है और एडवर्ब मैनर जो है वो वर्ब के बाद आता है, ये यहां आएगा स्लेप्ट के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट नो हार्डली एनी वन इन द कॉलेज सो आई फेल्ट लोनली ऑल द टाइम. तो देखिए हार्डली जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता कभी. तो ये सही करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, ऑप्शन ए तो गलत है ही, या तो आपको हार्डली हटाना पड़ेगा अथवा यहां से डिड नॉट हटाना पड़ेगा. जब डिड नॉट हटेगा तो नो की सेकंड फॉर्म नी हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नेवर सीन अ कावर्ड मैन लाइक सोहन. तो आपको बताया था नाम की विशेषता तो एडजेक्टिव बताता है और कावर्ड तो एक नाउन है, तो यहां इसको एडजेक्टिव बनाएंगे, कावर्डली हो जाएगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नेवर रिमेम्बर टू हैव मेड मोर इंटेलिजेंट देन मैन इन माई लाइफ. तो ये करेक्ट है बेटा, नो एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई रिफ्यूज टू अकंपनी हिम बिकॉज ही वॉज सो बोरिंग. अब ध्यान रखेंगे बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल की विशेषता बताने के लिए हम वेरी का यूज करते हैं, न सो का करते हैं, ठीक है, न मच का करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का ही मच आता है. आई रिफ्यूज टू कंसिडर हिम, अब आपको बताया था मैंने कॉल है, कंसिडर है, अपॉइंट है, इलेक्ट, सेलेक्ट, थिंक के बाद एज का प्रयोग नहीं करते, सो ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सी हिम ऑफन एट द बस टर्मिनल. ऑफन बड़ा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हमेशा कहाँ आता है, सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया से पहले, यानी ये आई ऑफन सी, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इसका ध्यान रखें बेटा, सभी वर्ब की जो विशेषता है वो एडवर्ब बताता है आप जानते हो, लेकिन ये 9 वर्ब्स आपको मैंने बताई थी, लुक अपीयर सीम टेस्ट फील स्मेल गेट ग्रो बिकम, इनके बाद एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ स्वीटली नहीं आएगा बेटा, स्वीट आएगा, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फादर इज वेरी क्विकर देन आई एट चेस। देखिए बेटा, अब फादर की विशेषता बता रहे हैं, फादर नाउन है, नाउन की विशेषता क्या बताता है, एडजेक्टिव बताता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और बड़ा कंपैरेटिव डिग्री की विशेषता बताने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए मच का प्रयोग करते हैं। वेरी जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं आता है, और पॉजिटिव डिग्री के साथ मच नहीं आता है। नेक्स्ट, नेवर इन द हिस्ट्री देयर हैज बीन एस रूडमेंटर एज चाणक्य। देखो, नेवर को आगे लेके बेटा, जब किसी एडवर्ब को हम इन्वर्जन में यूज करते हैं तो प्रभावित करता है बेटा वर्ब को, और वर्ब जो है वो जो है साइक्रिया जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा था, तो ये देयर जो है वो पहुंच जाएगा पीछे, हैज देयर बीन, तो देयर यहाँ आ जाएगा, हैज देयर बीन, क्योंकि जब इन्वर्जन में हम यूज करते हैं तो वर्ब जो है वो पहले पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर राइट रिजेक्शन ऑफ माई प्ली डिसअपॉइंटेड मी। देखिए, डिसअपॉइंट कर दिया, निराश कर दिया, इसका मतलब रिजेक्शन राइट तो नहीं होगा, रॉन्ग होगा, ऑप्शन ए। भाई राइट होता तो फिर डिसअपॉइंट क्यों होता। सी डिड हर जॉब एज बेटर एज सी कुड। तो देखिए बेटा, एज के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है, तो एज वेल आएगा, बेटर नहीं आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डज हर वर्क गुड एज सी इज अ ट्रेन नर्स। तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है बेटा, गुड जो है वो एडजेक्टिव है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ वेल आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैड बेयरली नथिंग टू बियर व्हेन सी केम टू मी फॉर हेल्प। हार्डली स्कार्सली रियली वियरली के बाद बेटा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो नो को एनी में बदल देते हैं और नेवर को एवर में बदल देते हैं, या एनीथिंग हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज आइदर डम और डीफ इफ नॉट। अब आप ध्यान करेंगे, आपको एक नियम लिखा था मैंने, सेल्डम के बाद इफ एवर और नेवर का प्रयोग करते हैं, वो सेम है। इफ के बाद जो आता है पॉजिटिव सेंस आता है, और के बाद नेगेटिव आता है, तो या तो यहाँ पर और नॉट बोथ करेंगे, या फिर आपको यूज करेंगे आगे, इफ तो यूज नहीं होगा, ऑप्शन बी है। अगर यहाँ फिर नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इफ के साथ नॉट हम नहीं लगाते, और लगा देंगे इफ के स्थान पर, सही हो जाएगा। सी नोज राइडिंग अ हॉर्स। थोड़ा नो के बाद आपको कुछ क्रियाएं बताई थी मैंने, जब पर पढ़ाया था, नो है, लर्न है, एक्सप्लेन है, डिस्क्राइब है, इनके बाद एडवर्ब आता है हाउ, और फिर आता है इन्फिनिटिव हाउ टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट लीडर्स ट्राई टू इरेडिकेट सोशल इवल प्रैक्टिसेस विद टूथ एंड नेल। तो टूथ एंड नेल एडवर्ब का काम करता है, और एडवर्ब के साथ हमें किसी प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, इट रेन लाइक कैट्स एंड डॉग। तो एक फ्रेज है बड़ा, ये फ्रेज है कैट्स एंड डॉग्स, इसके साथ भी लाइक की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम। अभी आपको बताया था अपॉइंट, रिलैक्स, लेट, मेक है, थिंक है, इसके बाद हमें इसका प्रयोग नहीं करता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू टॉक लाउडली। तो टॉक एक वर्ब है, उसकी विशेषता एडवर्ब बता रहा है, आई थिंक आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, दो ही वॉज ब्रेव ही कुड नॉट फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मेनली। तो बेटा मैन में एलवाई जुड़ेंगे तो एडवर्ब बनेगा या एडजेक्टिव बनेगा, ऑब्वियसली एडजेक्टिव बनेगा, तो ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, तो आएगा इन मैनर ऑफ मैन,
क्या है बेटा, इन मैनर ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सेल्डम और एवर गो आउट दीज डेज बिकॉज इट इज टू हॉट नाउ डेज। अभी आपको बता रहा था बेटा, सेल्डम के बाद अगर इफ है तो एवर आएगा, और है तो नेवर आएगा, तो ये आपका पार्ट ए गलत है, या तो इफ एवर लगाइए या फिर और नेवर लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट ट्राई टू सेव अवर हार्डली अर्न मनी। तो देखो बेटा, ये अर्न मनी है, उसके साथ क्या आना चाहिए, हार्ड आना चाहिए। हार्डली तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, तो हार्ड आना चाहिए, बड़ी कठिनाई से प्राप्त की हुई, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वी शुड कीप अवर बिलोंगिंग्स ऑर्डरली। देखिए ऑर्डरली नहीं आएगा बेटा, ये एडवर्ब मैनर आपका आएगा इन ऑर्डर, क्रम से व्यवस्थित, उसके लिए इन ऑर्डरली नहीं आता बेटा, सॉरी ऑर्डर नहीं आता, इन ऑर्डर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय कुड नॉट स्कार्सली कंसील हिज हैप्पीनेस एट माय रिजाइनेशन। अब देखिए बेटा, नॉट नहीं आता क्योंकि स्कार्सली नॉट कभी एक साथ आ ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन आई रेड हिज बायोग्राफी आई हार्डली फाउंड समथिंग। अब देखिए, हार्डली के बाद बेटा आपको बताया था हम एनी का यूज करते हैं, तो समथिंग की जगह पे क्या आएगा, एनीथिंग, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव इंटरप्रिटेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शी रिसीव्ड द गुड न्यूज शी रेन स्ट्रेट। अब देखिए, जो स्ट्रेट है बेटा वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है, आपको मैंने बताया था, तो यहाँ स्ट्रेटली नहीं आएगा, स्ट्रेट आएगा। जैसे हार्ड है, ठीक है बेटा, फास्ट है, वेल है, वैसे स्ट्रेट भी है बेटा, ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम करते हैं बिना एलवाई जुड़े। नेक्स्ट है, यू ऑलवेज कम लेटली थ्रू द क्लास। देखो लेटली जो है बेटा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में आता ही आप जानते हो, और लेटली आने पर बाकी जो बनता है, सॉरी एडवर्ब टाइम में आता है, और लेकिन लेटली आने पर बाकी बनता है प्रेजेंट परफेक्ट, और देर से के अर्थ में फिर आएगा लेट, क्योंकि लेटली का मतलब होता है अब तक, तो यहाँ इसका अर्थ है तुम हमेशा देर से आते हो, तो उसके लिए तो लेट आना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यू हैव एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। तो देखो बेटा, एक्ट वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो वर्ब की क्या बताएगा, एडवर्ब बताएगा, और नोबल का तो एडजेक्टिव भाई, नोबल एडजेक्टिव, उसका फिर नोबलियर करना पड़ेगा, यानी आई यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको वाई के स्थान पर आई आर करना पड़ेगा, क्योंकि एडजेक्टिव से उसको हमने एडवर्ब बनाया, नोबलियर करना पड़ेगा, नोबली का फिर कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट इज, यू शुड हैव सफिशिएंट कोलेटरल। अब देखिए, कोलेटरल एक नाउन है, उसके साथ एडजेक्टिव आएगा, तो सफिशिएंट आएगा ना कि सफिशिएंटली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ना वर्क वेरी हार्डली। तो देखिए बेटा, अभी आपको बताया था कि हार्डली एडवर्ब फ्रीक्वेंसी और हार्ड एडवर्ब मैनर है, वर्ब विशेषता, तो एडवर्ब मैनर बताएगा, तो यहाँ हार्ड आएगा, क्योंकि हार्डली तो वर्ब से पहले आता है जब वो काम करता है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट, शी साउंडेड वेरी सैडली। अब देखिए बेटा, वेरी जो है वह सैड की विशेषता बताएगा, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हेड, तो शी साउंडेड वेरी सैड आएगा, तो यहां वेरी सैड आएगा ना कि सैडली। नेक्स्ट है, हर स्पीच वॉज नॉट क्लियरली। अब देखिए, स्पीच की विशेषता बताए, स्पीच क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव बताएगा, तो क्लियर आएगा ना कि क्लियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द पीपल स्टूड अप रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब तो बड़ा बिल्कुल अलग हो जाता है, अगर हम सम्मान की बात करते हैं तो रेस्पेक्टफुली आता है, क्या आता है बेटा, रेस्पेक्टफुली आता है, या विद रेस्पेक्ट आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हेन द थीफ एंटर द हाउस द वॉचमैन ऑन ड्यूटी वॉज फर्स्ट एस्लेप। देखिए बेटा, हाँ, नींद के लिए, गहरी नींद के लिए फास्ट शब्द नहीं आता बेटा, वो साउंड आता है, क्या आता है, साउंड आता है।
या साउंडली हो जाएगा क्योंकि एडवर्ब की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू विलिंग एंड चीयरफुली एक्सेप्ट। देखिए बेटा टू एडवर्ब के साथ तो आता नहीं है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है तो एक्सेप्ट जो है वो आगे आएगा। तो ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट विलिंगली और चीयरफुली, तो एक्सेप्ट आगे आएगा क्योंकि इन्फिनेटिव तो तभी बनेगा जब वर्ब फर्स्ट आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ही ओनली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग कॉज टू द होल फैमिली। तो ओनली उस शब्द से हमेशा पहले आता है जिसकी वह विशेषता बताता है, तो ओनली जो है ही से पहले आएगा, ऑप्शन ए, केवल वह ही रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इन स्पाइट ऑफ थ्रोली सर्च ऑफ द बिजनेस प्रेमसीज द टैक्स अथॉरिटीज कुड नॉट फाइंड एनी इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट। तो देखो बेटा सर्च यहाँ नाम है और नाम की विशेषता तो एडजेक्टिव बताएगा, थोरोली नहीं आएगा, थोरो आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश थॉट दैट ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन, ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली। तो वर्ब की विशेषता तो आंसर की विशेषता बता रहे हैं बेटा और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर करेक्टली आएगा, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुणाल्स फादर एडवाइज हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट। अब आपको मैंने अभी बताया था बेटा देर के अर्थ में लेट आता है और अब तक के अर्थ में लेटली आता है, और लेटली तो वैसे परफेक्ट टेंस में आता है, इंडेफिनिट में आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉक्ड क्विक सो दैट ही माइट नॉट बी लेट। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, तो यहाँ क्विकली आएगा बेटा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन दो ही फाउंड द सब्जेक्ट रेदर इंटरेस्टिंग गौरव कुड नॉट मैनेज गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। देखो बेटा इवन दो ही फाउंड द सब्जेक्ट रेदर इंटरेस्टिंग, अब आप ध्यान करेंगे रेदर जो आता है बेटा वह अनडिजायरेबल एडजेक्टिव साथ आता है, यानी जिन्हें हम पसंद नहीं करते ऐसे एडजेक्टिव साथ आता है, अच्छे गुणों के साथ बेटा यहाँ फेयरली आता है, तो यहाँ फेयरली आएगा, बुरे गुणों के साथ रेदर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कुड नॉट सी द प्लेस क्लियर। अब देखो वर्ब की विशेषता, सी की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, क्लियरली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्दो द पेशेंट वॉज रूडली विद द नर्स। देखो पेशेंट की विशेषता बता रहे हैं, पेशेंट नाउन है तो क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, रूडली नहीं आएगा, रूड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वॉज अ लेजी बॉय एंड ही हैड डन हिज वर्क वेरी बैड। तो डन वर्ब की विशेषता बताएंगे तो क्या आएगा बेटा, एडवर्ब आएगा, बैडली आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर विद रेस्पेक्टफुली एंड मोस्ट हम्बली आई वॉन्ट टू से दैट आई एम अ पुअर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। अभी आपको बताया था बेटा देखो रेस्पेक्टफुली तो आपका एडवर्ब है और हम्बली भी एडवर्ब है, तो एडवर्ब के साथ तो हम कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते, या तो विद रेस्पेक्ट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ ऑप्शन ए गलत हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ अवर नो एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ अवर बुक, देयर इज नो एन, अब देखिए नो के बाद हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, ऑप्शन बी। आगे माय वाइफ डज हर वर्क स्लो एंड स्टडी, मतलब वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब आएगा तो स्लोली आएगा, एडवर्ब क्या आएगा, स्लोली आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आर श्योर दैट दे विल हेल्प अस इफ वी अप्रोच देम वेल इन एडवांस, वो हमारी सहायता करते हैं यार उनके पास समय पे पहुंच जाते, वेल इन एडवांस नहीं आएगा बेटा, या तो हम लगाएंगे यहाँ बिफोर या लगाएंगे इन टाइम, ओके ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Unless we work careful, we may overlook something in the contract. तो बोला वर्क की विशेषता कौन बताएगा, कार्य की विशेषता एडवर्ब बताएगा, तो यहाँ क्या आएगा, केयरफुली आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज टॉकिंग द प्रेस्क्राइब मेडिसिन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो अब देखिए बेटा इंटरवल्स नाउन है और नाउन की विशेषता क्या बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, तो रेगुलरली नहीं आएगा, रेगुलर आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
His good quality includes his ability to take quickly and appropriate decision. तो decision की विशेषता एक noun है decision adjective बताएगा तो quick and appropriate option B. Next है his strict discipline had made him very unpopular among all the employees. देखो रा discipline noun है noun की विशेषता adjective बताएगा तो यहाँ strict आएगा ना कि strictly option A. नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदजी न्यू दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैन ओनली बी ब्रॉट. अब देखिए ओनली आपको मैंने अभी क्या बताया था कि ओनली हमेशा उस शब्द से पहले आता है जिसकी विशेषता बताता है. तो यहाँ जो ओनली आएगा वो बी से पहले आएगा कैन ओनली बी ब्रॉट यानी केवल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब लाया जा सकता है. ठीक है इन द कंट्री बाय सेटिंग अप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. हम आयरन इंडस्ट्री जब डेवलप करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आर हैप्पी दैट द ऑडियंस रेस्पॉन्डेड वेल एंड गेव ऑल द स्पीकर्स अ पेशेंट लिसनिंग. लिसनिंग नाउन है और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा तो यहाँ पेशेंटली नहीं आएगा पेशेंट आएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हरी हैज फेथ इन गॉड एंड विल डू नेवर रॉन्ग इवन इन द मोस्ट टायरिंग एंड अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस. अब देखो नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया से पहले आती है तो यहां डू से पहले आएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ही इज क्विक इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम ही टेक्स ऑलवेज टाइम फॉर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन. अभी आपको बताया था बेटा ऑलवेज भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया से पहले आता है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर टीम मस्ट लाइक टू लूज एज ऑल देयर प्लेयर्स लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब देखिए बेटा अब इन्फिनिटिव आता है किसके बाद आता है वो एडजेक्टिव के बाद आता है तो लाइकली यूज करना पड़ेगा आपको. अगर लाइकली यूज करना पड़ेगा तो हमें फिर मेन वर्ब चाहिए तो दो तरीके हैं उनकी टीम हार जाएगी क्योंकि उनके प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस लूज है तो देयर टीम मस्ट लूज या तो यहाँ पर मस्ट बी यहाँ पर मेन वर्ब लगाना पड़ेगा फिर आपको लगाना पड़ेगा फिर लाइकली लगाना पड़ेगा तब ये सही होगा अथवा इन सबको हटा करके लूज लगा दीजिए तो सही हो जाएगा यानी ऑप्शन ए तो गलत है ही. नेक्स्ट है अमित हैज बीन डिसीविंग मोना फॉर मेनी इयर्स बट सी हैज स्टिल ट्रेम्बल्ड इट. तो देखो बेटा अब अमित कई सालों से मोना को धोखा दे रहा है बट लेकिन सी हैज नॉट. अब देखिए स्टिल जो है यहाँ नहीं आएगा यहाँ यट का प्रयोग कर सकते हैं हम लेटली का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन अब तक वह बिल्कुल परेशान नहीं हुई ऑप्शन सी. और नेक्स्ट क्वेश्चन और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है कॉमन एयर्स का इसके बाद हम फिलिंग द ब्लैंक्स के 50 क्वेश्चंस करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे नोवियर एनीवियर समवियर ऐसे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं जो कभी वाक्य के आरंभ में नहीं आते हैं तो ऑप्शन ए गलत हो गया. उसके बाद हम फिलिंग द ब्लैंक्स खोलेंगे 50 क्वेश्चंस हैं डियर इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स के. आई एम टायर्ड बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम विद यू. अब देखो टायर्ड जो है वो क्या है पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल विशेषता यहाँ जो बताएगा अब देखिए कौन बता सकता है जस्ट टेल मी. हाँ तो आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड ये सबसे सूटेबल है क्योंकि वेरी आएगा नहीं क्योंकि वेरी पास्ट पार्टिसिपल आता नहीं है. अ लिटिल अगर हम कहेंगे मैं थोड़ा सा थक गया हूं बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम विद यू. और प्रेटी तो मैं बुरी तरह से थक गया हूं पूरी तरह से थक गया हूं लेकिन मैं आगे प्रयास करूंगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो हाँ अब अगर आप इसमें एक ऑप्शन होता है तो हम अ लिटिल भी लगा देते हैं मैं कुछ थक गया हूं लेकिन मैं तुम्हारे साथ डेफिनेटली आऊंगा क्योंकि जो अ लिटिल है वो पॉजिटिव मीनिंग देता है. ठीक है अगर हाँ दोनों में आप ऑप्शन चूज करते हो तो एक्सट्रीमली बुरी तरह से थक गया हूं चूंकि अगला वाक्य दे रखा है कि मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ चलूंगा तो चूंकि अपोजिट रिजल्ट इसके दे रहा है तो यहाँ हम ये समझेंगे ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है इसको लगा दीजिए. ठीक है बिल्कुल. नेक्स्ट
आई एम नॉट एबल टू मेक आउट द आंसर, इट इज कंफ्यूजिंग। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर टू, प्रेजेंट पार्टिसिपल की विशेषता वेरी बताता है, पास्ट पार्टिसिपल की विशेषता मच बताता है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। द बॉय फाउंड द गर्ल अगली एंड डिसएग्री टू मैरी हर। अब देखो अगर आगे पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा होता तो हम वाले टिक लगा देते, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट तो है नहीं। अब अगली जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, तो यहाँ मच वैसे भी नहीं आएगा, तो यहाँ तो एक्सट्रीमली ही आएगा, वो इतनी बदसूरत है कि उसने शादी से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ द बर्थडे पार्टी वर नाइस, वन कुड नॉट हेल्प एप्रोप्राइट देम। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो सही ऑप्शन है वो यहाँ भी हमारे सबसे सूटेबल लगाएंगे, हम एक्सट्रीमली लगाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से बहुत बढ़िया है, नाइस है, मच आता नहीं पॉजिटिव डिग्री के साथ, अ लिटिल आ जाता तो हम उसमें कुछ ठीक है ये बताते। नेक्स्ट, वी कैन थिंक ऑफ सम अदर प्लेसेस, दिस इज, अब देखिए बोरिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो टू तो यहां वैसे भी नहीं आएगा, टू इन्फिनिटिव के साथ आता है, मच प्रेजेंट पार्टिसिपल आता नहीं है, तो यहां बेरी आएगा, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल हम बेरी को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है, द पेंटिंग्स एंड कार्विंग्स एट अजंता एंड वेरल आर, अब ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री के साथ तो हम बेरी का यूज करेंगे, रेदर आता नहीं है, टू आता नहीं है, और मच पॉजिटिव डिग्री के साथ वैसे भी नहीं आता, रेदर आया था लेकिन रेदर आता डिजायरेबल एडजेक्टिव के साथ। ऑडियंस वर डॉट स्पेल बाउंड, दे लाइक द स्पीच मच। क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन सही आएगा डी, क्योंकि देखो मच की विशेषता बेरी बताएगा, यहां से आप सीधे देख लेंगे, और ये आगे देखो वर प्लस थर्ड फॉर्म आया है तो पास्ट पार्टिसिपल है, अब यहाँ मच वाला ऑप्शन हमारे पास है नहीं तो हम एक्सट्रीमली को लगाएंगे, मच वाला एक ऑप्शन है लेकिन वहां फिर आगे मच ऑलरेडी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही स्लोड डाउन द स्पीड सो दैट ही माइट नॉट मीट एन एक्सीडेंट। अब देखो उसने स्पीड को कुछ कम कर दिया ताकि आगे कोई एक्सीडेंट ना हो सके। अब देखो स्पीड की विशेषता कम, कम डाउन की विशेषता आप देखेंगे, वेरी तो यहाँ आ नहीं सकता है, टू आएगा नहीं, और एक्सट्रीमली यहाँ सूटेबल वैसे भी नहीं है। नेक्स्ट, दिस बिल्डिंग वॉज ब्यूटिफुल, इट लुक लाइक अ हॉन्टेड प्लेस। अब ब्यूटिफुल के साथ वेरी आएगा, क्योंकि मच पॉजिटिव के साथ आता नहीं, और इनफ के बाद हम ध्यान रखेंगे जो पीछे है, अब कह सकते हो इनफ एडजेक्टिव के पीछे आता है, ओके क्लियर, और एक्सट्रीमली वैसे भी सूटेबल हमारे पास यहाँ नहीं है। एक्सट्रीमली का हम जनरली यहाँ कहेंगे यूज करते हैं बेटा, अधिकतर यूज करते हैं हंगरी के साथ, टायर्ड के साथ, एक्सटॉटेस्ट के साथ, ऐसे कुछ सॉरी एडजेक्टिव हैं जहाँ हम एक्सट्रीमली का यूज करते हैं, कुछ खास खास के साथ करते हैं, सबके साथ नहीं कर सकते। तो सी सिंग्स, सी कैन ट्राई हर हैंड्स एट सिंगिंग। अब देखो वर्ब की विशेषता वेरी बताता नहीं है, वर्ब विशेषता वेरी बताता नहीं है, ठीक है, अब वो काफी बढ़िया गाती है और उसे सिंगिंग हाथ आजमाना चाहिए, तो ए जो है ज्यादा सूटेबल है यहाँ। एक्चुअली आपको मैंने बताया था कुछ के साथ लगाते हैं, और अ लिटिल कुछ कुछ ठीक ठाक गाती है, तो इसका मतलब वो फिर सिंगिंग हाथ आजमाने की बात नहीं होती। नेक्स्ट, आई हैव हियर दिस, बताइए क्या आएगा। अब चूंकि परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो नाउ आएगा नहीं, नेवर पीछे आता नहीं है, सिंस भी यहाँ नहीं आएगा, तो फिर बिफोर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आई हैव टोल्ड यू, अब देखिए नेवर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी पहले आता, ये भी पहले आता, ये आएगा ट्वाइस, मैं तुम्हें दो बार बता चुका हूँ, फुली का तो कोई मतलब वैसे भी नहीं बनता यहाँ। दिस स्टोरी इज रिटन, ठीक है, अब यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक रह गया बेटा, जो स्पेस है वो आगे ना करके यहाँ आना था, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो एडवर्ब मैनर है वो वर्ब के बाद आता है, लेकिन पैसिव वॉइस वर्ब से पहले आता है, तो यहाँ वेल ही आएगा, ठीक है, गुड आएगा नहीं, क्योंकि हम वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, बैड आएगा नहीं, गुड आएगा नहीं, कौन सा आएगा नहीं, तो यहाँ वेल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सिंग्स डॉट डॉट डॉट, बहुत बहुत सुंदर गाती है, बहुत बढ़िया गाती है, तो और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, ये तो वर्ब ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी
परफेक्ट टेंस में आता है, नेवर एडवर्ब से पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, कम हियर, यू हैव टू सी दिस, तो यहां जल्दी से आओ तुम्हें कुछ देखना है, तो आदमी यही तो कहेगा जल्दी से आइए, तो आप ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वी नो दैट सी हैड गॉट द जॉब व्हेन वी सॉ हर, जब हमने उसे जोर से बात करते हुए देखे, भाई हमने कब कैसे बात सुन ली इसकी, कैसे नौकरी लग गई है, जब वो तेज आवाज में बात कर रही थी तो तेज आवाज के लिए तो लाउडली आ जाएगा। नेक्स्ट, सी डॉट डॉट पुट द वेज ऑन द टेबल बट इट फेल ऑन द फ्लोर, यानी उसने जो बेस है वो बड़ी सावधानी से टेबल पर रखा, तो सावधानी के लिए क्या आएगा, केयरफुल आएगा, केयरफुली आएगा, लेकिन वो फिर भी गिर गया। नेक्स्ट, सेरोन इज थ्रोइंग अ पार्टी ऑन सैटरडे, सी डॉट डॉट फिनिश्ड हर पीएचडी, यानी वह सेरोन पार्टी दे रही है क्योंकि उसने अंततः पीएचडी पूरी कर ली, अंततः की फाइनल लिया जाएगा, रिसेंटली आएगा नहीं, क्वाइटली मीन शांति से, गुड तो वैसे भी एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, लेट्स वॉक, आई डोंट वॉन्ट टू बी फर्स्ट एट द मीटिंग, अब देखिए थोड़ा सा मैं जल्दी पहुंचना नहीं चाहता, इसका मतलब कैसे चलेगा वो, स्लोली केयरफुली या क्विकली, स्लोली चलेगा क्योंकि वो पहले पहुंचना नहीं चाहता, देर से पहुंचना चाहता है। एलेक्स डॉट डॉट पुट अप द बुक सेल्फ, इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी, यानी उसने उन बुक सेल्फ को रख दिया बहुत आसानी से, कोई इजीली आएगा, जो मैं नहीं रख पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग डॉट डॉट हैपन्स टू वी हैड टू मूव कैलिफोर्निया लेस देन अ मंथ, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हमें एक महीने के अंदर कैलिफोर्निया पहुंचना पड़ा, जल्दी में हुआ, अचानक से हो गया, सडनली। Why does he always have to talk? You can hear him in the next room. तो loud भी आएगा, भाई आप दूसरे कमरे में से सुन सकते हो, तो इसका मतलब तेज आवाज में बात कर रहा है। Next, although she speaks five languages, she could not. अब देखिए, वो चार पांच भाषाओं में बात करती है, लेकिन वह फिर भी परीक्षा में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई, तो well आएगा। 25. I was so surprised his new apartment was, अब देखो decorated है, वैसे वैसे बहुत सुंदर से सजाया गया या बड़ा ध्यान से सजाया गया, सुंदर सजाया गया। Next, he is always in rush, I don't understand, वो हमेशा जल्दी में रहता है, मैं नहीं समझ पाता why he walks so quickly, वो इतना जल्दी से क्यों चलता है। I prefer studying in library. It's always. भाई मैं लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि वहां हर समय क्या होती है, शांति होती है, ऑप्शन ए, क्योंकि इट इज आएगा तो भाई नाम की विशेषता या प्रोनाम की विशेषता तो एडजेक्टिव ही बताएगा। नेक्स्ट, माइकल डॉट डॉट took the assistant job he had been looking for a position all summer. तो happy, प्रसन्नता से। माता डांस है, अब बहुत सुंदर नृत्य किया, पर की विशेषता एडवर्ब बताएगा, ब्यूटीफुली। दे स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल, यानी ऑप्शन बी, बहुत अच्छे से बोलते हैं क्योंकि वो दो वर्ष तक फ्रेंच में रहे हैं। माई नेवर ऑलवेज प्लेस म्यूजिक, आप देखिए अब प्ले वर्ब है और ये नाउन की विशेषता होता है म्यूजिक की, कैसा आएगा बड़ा लाउड म्यूजिक, ठीक है, अगर म्यूजिक पहले आता तो एडवर्ब मैनर होता, फिर प्ले म्यूजिक लाउडली आता। ओके, नेक्स्ट, प्लीज बी इन द हॉलवे, द वॉल हैव बीन पेंटेड, बस सावधान रहिएगा, प्लीज बी इजारे मौज पर लिंकिंग पर के बाद आप जानते हो एडजेक्टिव आएगा, बी केयरफुल। 32. Dan is very smart, but he is not a very. स्मार्ट है, सुंदर है, लेकिन बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं है, तो गुड स्टूडेंट।
ही रिएक्टेड टू द न्यूज आई हैव नेवर सीन हिम सो अपसेट, यानी वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई, मैंने उसे कभी इतना अपसेट नहीं देखा। न्यूज पर क्या होगी? नाराज, रिएक्टेड एंग्री, वर्ब के उसे सैड वर्ब। नेक्स्ट, ही डिडंट अंडरस्टैंड द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। अब देखो वर्ब की विशेषता बताने को एडवर्ब बताएगा कंप्लीटली। नेक्स्ट, आई कुडंट फाइंड कार कीज, देखो पर्स में तो क्या आएगा, इनसाइड आएगा, एडजेक्टिव की आवश्यकता है क्योंकि नाउन दे रखा है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वेंट टू द स्टोर, हम स्टोर गए जो कहाँ है, घर से बाहर है, यानी यहां भी एडजेक्टिव की आवश्यकता है क्योंकि नाउन के आगे तो एडजेक्टिव ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कांट गो विद यू, माई मॉम सेड दैट आई एम ग्राउंडेड फॉर नेक्स्ट वीक। अब देखो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लेफ्ट द फ्रॉग डॉट 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 द बकेट एंड पुट द लिड ऑन, तो इनसाइड द बकेट, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, इनसाइड यहां पे आएगा। नेक्स्ट है द बस इज गोइंग, अब देखो बाहर जा रही है तो आउट आएगा और अंदर आ रही है, कम अगर होता तो यहां इनसाइड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द मूवी वॉज, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल विशेषता तो वेरी ही बताएगा, द इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग, सॉरी। आई रीच द स्टेशन एन आवर, देखो पास्ट मेथड में आप जानते हो क्या आता है, एगो आता है, एन आवर एगो। नेक्स्ट है, ही वर्क व्हेन ही इज इन ट्रबल, हाँ देखिए ही वर्क, वह परिश्रम करता है कब, केवल ओनली व्हेन ही इज इन ट्रबल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मोना वॉज वाइज इनफ, क्योंकि इनफ अकेला ऐसा एडवर्ब डिग्री है जो एडजेक्टिव के पीछे आता है और उसके आगे आगे इन्फिनिटिव आता है। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट फॉर मी, अब देखो डिफिकल्ट है, जाना चाहिए, एगो तो आएगा नहीं, इनफ आएगा नहीं क्योंकि इनफ एडजेक्टिव पीछे आता है। अब यहां देखिए, अब वेरी और टू में से छांटना है, तो डिफिकल्ट जो है वो अनडिजायरेबल एडजेक्टिव, उसके साथ हम प्रेफर करेंगे टू को, अच्छे गुणों के साथ हम वेरी और बुरे गुणों के साथ टू का प्रयोग करते हैं, डिफिकल्टी कोई पसंद नहीं करता, अनडिजायरेबल है। हाँ, अर्जुन स्कैंड एवरीवेयर फॉर वाटर बट ही फाउंड इट नोवेयर, तो अर्जुन ने हर जगह ट्राई किया, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज यू गो डॉट डॉट इन द ईयर अब प्रेशर ड्रॉप्स, तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, ऊपर की तरफ इशारा करने के लिए आप आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेडी आस्क्ड देम टू कम बट दे रेसिस्टेड, टू कम इनसाइड, उन्होंने कहा कि अंदर आ जाओ, कम इनसाइड, बट दे रेसिस्टेड। नेक्स्ट 48, हैव यू कैप्ट द नाइफ द बकेट, बकेट में रखना है, बास्केट में रखना है, तो फिर इन आएगा। दे वेटेड फॉर सम टाइम एंड देन स्टार्टेड ऑफ, दे वेटेड हियर, उन्होंने यहां कुछ समय इंतजार किया। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ही सेल्डम और, अभी आपको मैंने बताया था बड़ा, सेल्डम के बाद अगर और है तो आगे नेवर आएगा और इफ है तो एवर आएगा। तो डियर, ये थी आपकी एडवर्ब की इम्पोर्टेंट क्लास, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियोज और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।